ओके, अब हम देखने वाले हैं कि जो फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है, जैसे लिक्विड हो गया या फिर गैसेस हो गई, ये सब फ्लूइड्स है जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, ये भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या फिर बोल सकते हैं फोर्स, क्योंकि फोर्स अगर एग्जर्ट करेंगे तभी प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। प्रेशर हमने अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने वो भी लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने वहां पर देखा था कि एक सॉलिड जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, जो जिस ग्राउंड सर्फेस वो रखा है उस पर वो प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि उसके पास फोर्स रहता है, उसके पास वो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होता है वही होता है प्रेशर, जो भी है वो अच्छे से समझाया वहां पे, देख लेना आपने, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हमारा लिक्विड भी जो रहता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है? हाँ जी, कैसे करता है वो देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल है, जो आपका बकेट रहता है, ठीक है, जिसमें आप जो नहाते हो, ठीक है, एक मग रहता है, एक बकेट रहता है, तो ये हुआ आपका मग, ठीक है, ये मग हुआ, ये मग के अंदर भी लिक्विड चले जाता है, ठीक है, उतना ही रहता है, ठीक, ये हुआ आपका, ठीक है, जो भी है ये हुआ आपका कंप्लीट, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वैसे ही नीचे से भी फोर्स लग रहा है। पहली बात ध्यान रखना कि जो सॉलिड था हमारा, सॉलिड जो थी हमारी ईंट थी या जो भी था, ठीक है, वो जो सॉलिड था हमारा, तो वो क्या करता था कि ये जो ग्राउंड सरफेस जिस पे वो रखा है और उसके कांटेक्ट में जितनी सरफेस आ रही है, उस सॉलिड की जितनी सरफेस ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रही, वही उतने ही एरिया के कारण फोर्स लग रहा, मतलब उतने ही एरिया पे फोर्स लग रहा, ग्राउंड के उतने ही एरिया पे फोर्स लग रहा था। बाकी लिक्विड के केस में ऐसा है कि ये चारों डायरेक्शन, मतलब सारी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करता है। लिक्विड का काम है, लिक्विड में याद रखना है कि ये सारी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो ध्यान रखो, अब यहां पे क्या देखना है हमको कि ये जो फोर्स है जो लेफ्ट राइट से लग रहे हैं, लेफ्ट से मतलब जो लेफ्ट से फोर्स लग रहा है और राइट से फोर्स लग रहा है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब इक्वल फोर्स अगर रहे और अपोजिट डायरेक्शन में रहे, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, उससे इस बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गए। अब देखना है हमको ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स। अब जो ऊपर से फोर्स लग रहा है और नीचे से फोर्स लग रहा है, तो यहां पे क्या है, डेप्थ का डिफरेंस है, जो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ये ए मान लो और ये जो पॉइंट होगा इसको बी मान लो, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, ठीक है, हाइट ये वाली अलग हो गई और ये वाली हाइट अलग हो गई, मतलब हाइट में डिफरेंस है, मतलब प्रेशर डिफरेंस रहेगा, और जैसे जैसे हाइट, जैसे 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 डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो यहां पर जो नीचे से फोर्स, जो नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है यहां पर इस सरफेस पे, वो ज्यादा रहेगा इस कंपेयर टू इस सरफेस पे, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में जाओ फोर्स लगता है, अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है, उसको अब जब समझा रहा हूं 2 मिनट रुकना, ये रहता है, ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहता है इस मग के ऊपर वो लगेगा ऊपर की ओर, ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो इस मग के ऊपर लगेगा वो रहेगा ऊपर की ओर, और वही रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलते हैं बायंट फोर्स, ठीक है, BUOYANT, ठीक है, बायंट फोर्स होता है, जैसे बायंसी बोलते हैं ना जो हम, तो ये बायंट फोर्स होता है, ठीक है, इसको ही हम अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स मत बोलो, अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा सबसे बड़ा था वो जो नीचे की ओर से लग रहा है, तो वो इसलिए हमने देखा है कि हम जब मग को, हर किसी ने किया होगा, बकेट में जब मग को डालते हैं हम, ठीक है, तो वो मग ऊपर की ओर आने को करता है, हम आसानी से वो नीचे नहीं जाता, हम जब उसको पुश करते हैं तभी नीचे जाता है, वो ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि जो उस पर रिजल्टेंट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स, वो सबसे ज़्यादा रहता है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, और इसमें कंपेयर किया था तो ये कम रहता है और ये ज़्यादा रहता है, इस कारण से यहाँ पे हमको ये देखने को मिला था कि वो मग जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायंट फोर्स होता है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है फ्लूइड में, देखा हमने, तो वो लगता है बायंट फोर्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, तो ये होता है हमारा बायंट फोर्स, ठीक है, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से हमारा जो फ्लूइड्स रहते हैं, लिक्विड्स रहते हैं, ऐसे गैस भी है, ऐसे लिक्विड्स है, ठीक है। अब बायंट फोर्स पे बात करें कि ये किस किस पर डिपेंड करेगा, ये किस किस पर डिपेंड करेगा, तो दो चीजें, ठीक है, एक तो वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है जो कि लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड में जो जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो कौन जा रहा है, मग जा रहा है, तो मग का वॉल्यूम मैटर करेगा इसमें, ठीक है,
वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बायंड फोर्स लगेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सेकेंड थिंग कि ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो मग ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और जो लिक्विड जिस लिक्विड में वो जा रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अगर वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बायंड फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, और जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी, लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बायंड फोर्स लगेगा। आप ही सोचो कि अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा ऊपर धकाएगा उसको, ज़्यादा धका, आप इमेजिन करो एक शहद में मग को डालो और एक पानी में डालो, ठीक है, तो शहद जो रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो जब शहद में डालोगे आप और पानी में डालोगे तो पानी में आप आसानी से आपका मग नीचे जाता है शहद के मुकाबले, ठीक है। तो ये होता है, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, तो ये दो चीज़ याद रखना, और ये होती है इसके साथ हमारा बायंड फोर्स खत्म होता है। आगे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं।